जय श्री कृष्णा। मैं पुण्यवासी अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। और जैसे सुबह ट्यूशन वगैरह खत्म करके नहाके तो आके थोड़ी सी फ्रेश हो गई, जैसे अपना थोड़ा सा मेकअप, क्या क्या मेकअप करती हूँ वो तो देखेंगे, देख लिए। तो अभी अभी मैं अपना रूम का वो पीछे वाला हिस्सा ये सब मैं ये कमरे का भी दिखा दूंगी, मेरे कमरे में क्या है, मैं कैसी, जैसे मेरे लिए क्या क्या मेरे रोज की चलने के लिए कैसे अच्छे तरह से मतलब क्या कहूँ समझ में नहीं आता। जैसे मैं कैसे रहती हूँ, मेरे कमरे में के पास जो लैट्रिन बाथरूम कितनी दूर है, ये सब कितने जो कहते हैं ना कितना सुविधा किया गया है वो थोड़ी सी दिखा दूंगी मैं अपने कर। ज़्यादा लग्जरियस चीज़ें तो नहीं, जितना जरूरी हो सके उतना ही चीज़ें हैं। और एक बात, ये जो आज मैं ड्रेस पहनी हूँ ये नया ड्रेस है, अगर कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके कैसी लग रही हूँ वो बताइए कि मैं दिखा देती हूँ। थोड़ी सी ज़्यादा ऐसे घर में खरीदने के लिए, और एक था ये भी है कि दो एक साथ मंगवाई थी वो टांगे, तो नहीं पहना था, रथ यात्रा को पहना था लेकिन नहीं पहना क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी, तो इसलिए आज पहन ली। तो कैसी लग रही हूँ जरूर बताइए। और अभी मैं आपको दिखा दूंगी मेरे कमरे कमरे की क्या हालत है, कैसे मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ, और क्रॉचर भी दिखा दूंगी, मेरे पास जो क्रॉचर भी है तो दिखा दूंगी, मेरे कमरे में ही है सब कुछ तो दिखा दूंगी। ये तो मैं बेड, ये मेरा बेड है, ये तो कमरा बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा है पर मेरे लिए इतने हो जाती है। ये एक मॉनिटर है, कंप्यूटर का मॉनिटर है, मेरे पास एक कंप्यूटर भी था तो उसका मॉनिटर है, उसका चलाने के लिए वक्त नहीं मिलता था तो इसलिए वो हार्ड डिस्क के ऊपर रख लिया है। और ये एक मॉनिटर, उसको टीवी बना के देख रही हूँ। और ऊपर ज़रूरत का सामान है, एसी भी एक है क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी होती है ना, तो एसी का ज़रूरत होती है तो इसलिए एक एसी भी है। और वो जो स्क्रीन है उसके पीछे मेरा लैट्रिन बाथरूम है, वहाँ लैट्रिन बाथरूम है। और ये जो दीवार है इसको थोड़ी सी टिकर लगवा दिया क्योंकि वो दीवार थोड़ी सी बहुत गंदा लग रहा था ना, तो इसलिए इसको ऐसे ही लगवा दिए तो अच्छा, थोड़ी सी अच्छा लग रहा है, साफ लग रहा है। क्योंकि वहाँ तो जो वहाँ के पीछे जो है उनका ड्रेन वगैरह है ना, पानी बहुत होता है तो वो इसलिए वो दीवार बहुत ख़राब हो जाती है। टाइल लगाने के लिए थोड़ी सी, तो जैसे सर्विस वाले तो जानते ही होंगे कि जो चीज़ चाहे हमेशा जब भी जो चीज़ चाहे तो ऐसा नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा मुश्किल होती है, जब होगा तब किया जाएगा। ये मेरा एक ड्रेसिंग टेबल है। ज़्यादा कुछ मेरा मेकअप का तो सामान नहीं है, मेकअप तो मैं ज़्यादा करती ही नहीं हूँ, तो यही है। और ये वाला जो सिका का ये वाला शैम्पू एक हाफ लीटर का है वो अंकिता ने इस बार रथ यात्रा में मुझे गिफ्ट किया है, ये मेरा ये वाला। ज़्यादा लग्जरियस जैसे महंगी महंगी चीज़ें नहीं है, जो भी है ज़रूरत का सामान है। ये तो कबर्ड है, कबर्ड खोल के भी दिखा दूंगी। वो रही क्रचर जो है, दिखा देती हूँ, वो रही मेरा क्रचर। क्रचर है पर मुझे तो अच्छा नहीं लगता ना, जैसे क्रचर मैं नहीं चलती हूँ, मैं तो ऐसे जैसे नीचे चल जाती हूँ। ये है क्रचर और वो रही, ऊपर जितना जरूरत
नहीं होती है, काम की चीज नहीं होती, वहाँ रख लिया जाता है। और वहाँ है हार्ड डिस्क को भी रख लिया है, कंप्यूटर का जो है वो इंटेक्स, और इंटेक्स तो है यहाँ लग गई है टीवी में, और वो हार्ड डिस्क वहाँ रख लिया है। और ये रही, मैं दिखा देती हूँ, कबर्ड भी दिखा दूंगी। मेरी कबर्ड ज़्यादा गंदा नहीं रखती मैं थोड़ी सी साइज सेव करके रख लेती हूँ। जैसे यहाँ नीचे जो जरूरत का मेरा जो प्लेट कप वगैरह होता है, या मेरा क्योंकि नीचे में पानी थोड़ा सा जम जाती है ना, इसीलिए थोड़े नीचे कपड़े नहीं रखती। ये मेरा ड्रेस वगैरह घर की, या तो जैसे मुझे थोड़ी सी यहाँ भी बहुत वो जो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, कीड़ा उई बोलते हैं जो वो, लेकिन उसको साफ करके फिर जैसे ग्रामासिन वगैरह दे के बहुत साफ कर लिया, और उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं। और अच्छी तरह से दिखा ली, मैं कमरे को ज्यादा गंदा करके नहीं रखती हूँ, थोड़ी से साफ करके रख लेती हूँ। इसको इससे मैचिंग करके अंकिता ने ये वाला जो है ये ले आई, ये ज्यादा नहीं 500 रुपए का है, ये स्टिकर ज्यादा महंगी भी नहीं है, ये सब लेकिन साफ हो गया तो अच्छा था, थोड़ा कमरे का लुक भी चेंज हो गया, अच्छा लग रहा है अभी तो। ये रही मेरे कमरे की टूर, तो मैंने करवा दिया, तो यहाँ पे मैं सोती हूँ। ये मेरा कम मैं बेडशीट हमेशा साइज से, तो मैं तो कैसे बेडशीट लगाती हूँ वो तो दिखा चुकी हूँ, और मुझे थोड़ी सी इधर उधर हो जाए बेडशीट तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं थोड़ी सी साइज सेव करके अपना कमरा बिल्कुल साफ सफाई करके रखती हूँ, ज़्यादा गंदा नहीं करती। तो अभी मैं थोड़ी सी पूजा करके चली आती हूँ, और वो जो अंकिता ने अपनी इंट्रोड्यूस का एक वीडियो थोड़ी सी बनाई थी, वो मुझसे कल छूट गई थी, मैं उसमें ऐड नहीं कर पाई, एडिटिंग करते टाइम मैं वो छूट गई थी। आज मैं जो अंकिता कहती हूँ वो अंकिता को मैं आज उस वीडियो का इस वीडियो में ऐड कर दूंगी, तो आप मिलेंगे अंकिता गुनगुन से जो अपना अपने बारे में बोल रही थी, तो दिखा दूंगी अंकिता से मिलवा दूंगी। और अभी मैं थोड़ी सी पूजा करके चली आती हूँ, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, ज़्यादा रेट का नहीं, ऑनलाइन में शॉपिंग है, कहीं जाना भी नहीं पड़ता, तो ऐसे ब्लू कलर मुझ पर क्या खिल अच्छी लगती है या नहीं कमेंट करके जरूर बताइए, अगर अच्छी नहीं लगे तो भी बताइए। और हेयर स्टाइल भी तो थोड़ी सी कर लिया, तो थोड़ी सी लुक्स चेंज हो गया, वो जो पहले वाला लुक्स से थोड़ी सी अच्छी वाली लुक्स आ गई, जो हेयर कटिंग के बाद तो थोड़ी सी पार्लर वालर आके थोड़ी सी लुक्स चेंज हो गया है, अच्छा तो लग रहा है, मुझे तो लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर बताइए। क्योंकि गुड मॉर्निंग, हम लोग आए हैं गांव, ये रही मेरी बहन और मैं अंकिता, जिसके बारे में बुआ हमेशा बोलती है, मैं वही अंकिता हूँ। तो आप देख सकते हैं बिरयानी बनाते टाइम हम लोग का लुक्स एकदम अलग था, और अभी बुआ के साथ पार्लर से आके लुक्स चेंज हो गया है पूरा, बस बुआ भी मस्त बाल काट ली है, अच्छी दिख रही है। हम लोग भी सब गए थे, ब्लॉग बनाना भूल गए, फिर ये भी डर था कि कहीं लॉकडाउन में, अभी लॉकडाउन तो चल रहा है, तो फिर पार्लर वगैरह का कुछ उसको मतलब प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए वहाँ का ब्लॉग नहीं बनाया है। तो आप कमेंट करके बताइएगा हम लोग का ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है, और क्या बस चल रहा है सब कुछ। ये पूजा खत्म कर लिए, पूजा के बाद थोड़ी सी भगवान जी को दिखा देती हूँ। ये माँ है जो मंगला माता हमारे लिए वो है, और ये है भगवान जी, कान्हा जी देखिए, जगन्नाथ जी, सब लोग अच्छा अच्छा लग रहे हैं। फिर आज तो गुरुवार है, गुरुवार का पूजा है ज़्यादा इसमें, और देखिए
अभी अभी पूजा खत्म किया ना, दिया लग रही है। तो पूजा करके आके मैंने नाश्ता भी कर लिया, अभी खाना बनाना शुरू कर रही हूँ। क्या बनाऊँ आज? तो पखाल ही बनाऊँगी, क्योंकि पखाल में तो अच्छा है, क्योंकि कल थोड़ी सी चावल बच गई थी उसमें मैंने पानी भर के रख लिया था, और सब थोड़ी सी ऐसे ऐसे मिला के मार में थोड़ी सी पापा के लिए आज के लिए चावल बना देती हूँ। तो आज तो पखाल खाएंगे, अच्छा लगेगा, गर्मी भी हो रही है तो पखाल खाने से अच्छा। कहते हैं पखाल खाने से इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और इसलिए पखाल भी खाना चाहिए कभी कभी। तो आज पखाल मतलब पानी भात, जो चावल में पानी मिला के उसमें दही मिला के नींबू मिला के ये सब खाते हैं, दही भी है नींबू है, तो ये सब मिला के हम पखाल खाएंगे। घर के होम टूर के बाद ये पूजा करने खाने से जैसे तो सारा कुछ करने के बाद ये चावल मैंने थोड़ी सी जैसे चाल देखते हैं मैं कैसे चलती हूँ, तो ऐसे चलती हूँ, उठती हूँ कैसे, एक नीचे से ऊपर उठती हूँ, जैसे ऊपर उठना चढ़ना बैठ ये सब इतना ज़्यादा भी मुझे ये ऐसे ही कुछ पकड़ कर उठ जाती हूँ या कुछ पकड़ कर ऐसे ही बैठ जाती हूँ, ऐसे खाली कुछ सहारा ना लूँ तो खड़ा भी नहीं हो सकता ऐसा ही। तो फिर आज तो पखाल खाने का मूड था क्या, बहुत था ऐसे बासी पखाल था, तो पखाल आइटम बनाने के लिए बहुत अच्छा भी लगा। तो पहले वो जो बड़ी को मैंने बड़ी तल लिया थोड़ी सी, वैसे पखाल खाने के लिए कहते इम्यूनिटी बढ़ती है बहुत अच्छा है कह रहे हैं, तो इसीलिए पखाल तो आज तो माँ को बोलती है कि माँ हम लोग पखाल खा लेते हैं आज, तो पखाल ही खा लिए। पापा बोले मैं भी खा लूँगी, तो सब लोग मिलकर पखाल ही खा ली। ये थोड़ी सी वो जो कड़ उसको मैंने चावल की पेस्ट जैसे चावल में जीरा लहसुन सब कुछ जीरा लहसुन अदरक और सूखी मिर्च डाल के ग्राइंडिंग कर लिया था, उसका पेस्ट को ये जो सब्जी में मिला के नमक हल्दी ऐसे अच्छी तरह से उसको मैरिनेट करके रख लिया, और उसके बाद सब कुछ तेल में तल लिया। और ज़्यादा तावे में फ्राई भी कर लेती हूँ, लेकिन तावे तेल के कढ़ाई तो बड़ी तलने के लिए बिठाया, तो तेल में सारा एक साथ तल लिया। और बैंगन थोड़ी सी छोटा छोटा वाला बहुत अच्छा था, तो इसलिए वो बैंगन को भी तल लिया। और बासी पखल के साथ थोड़ी सी आलू की भुजे बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो मेरी पसंद का है, बहुत कम है भी, इसलिए एक ही आलू मैं उसको भाजा बना दिया, तो एक बड़ा आलू था ना तो बहुत हो गया, तो सबको थोड़ा थोड़ा दे के मैं भी खा लिया, तो ये बन गया भाजा सारा, जैसे खाना बन के रेडी हो गया। फिर वही सर्व भी कर ली पखाल का, ये भात को पानी डाल के, ये रही पखाल नींबू मिर्च के साथ। आज का सारा काम जैसे ख़त्म कर ली मैंने, तो अगर आज की वीडियो अच्छे लगे तो आप मुझे लाइक कमेंट शेयर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आती है, उस बेल आइकन को दबा देने से आपको मेरे वीडियो का फर्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए यहीं रहती हूँ। जय श्री कृष्णा।